हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जगह जा रहे हैं, तो वो जगह का नाम है सासाराम, जो है सिचुएटेड बिहार में, और बिहार का रोहतास जो जिला है वहाँ पे ये सासाराम है। ये सासाराम थोड़ा ऑफबीट प्लेस है, उतना टूरिस्ट लोग नहीं जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारा अच्छा वाटरफॉल्स है और एक टॉम्ब है, वहाँ पे कैसे जा सकते हैं और खाना कैसा है वहाँ का, सब कुछ जानेंगे। सो हे गाइज, आई एम तुहिन, यू गाइज आर वॉचिंग ट्रैवल विद तुहिन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलो लेट्स गो। तो अभी टाइम हुआ है 9:20 और हम लोगों का ट्रेन है 9:55 में, और हम लोग पहुँचे हावड़ा स्टेशन। देख सकते हैं साउंड थोड़ा कम आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे माइकिंग चल रहा है। तो ये है पीछे हम लोगों का ट्रेन है, जो है हावड़ा कालका मेल। तो इस ट्रेन से हम लोग जाएंगे, हम लोगों का कोच है S6। अभी टाइम हुआ है 9:31, उठ के फिर बात करते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रेन के अंदर, और ट्रेन का जो टाइम था 9:55, एग्जैक्ट उसी टाइम पे ट्रेन रवाना हुआ हावड़ा स्टेशन से, और हम लोग जा रहे हैं सासाराम की तरफ। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं सुबह, तब तक आप ट्रेन का जर्नी एंजॉय कीजिए। टाइम हुआ है 6:30, ट्रेन 10 मिनट लेट है, 6:20 तक उतरना था, तो अभी 6:30 में उतरा है, उतरे हैं हम लोग सब। ये है ट्रेन, इस ट्रेन से हम लोग आए हैं। अभी देखते हैं कहाँ रिटर्न रूम मिलता है, या हम लोगों को होटल लेना पड़ता है चेंज करने के लिए, क्योंकि थोड़ा फ्रेश होंगे उसके बाद घूमेंगे। अभी हम लोग एक होटल पर रुके हैं, ये है पोस्ट ऑफिस मोड़, इधर है इस साइड पे जहाँ पे है पोस्ट ऑफिस मोड़, तो उससे थोड़ा पहले ये हम लोग होटल लिए। यहाँ पे थोड़ा रुके फ्रेश होने के लिए, चेंज करने के लिए, थोड़ा नहाएंगे फिर निकलेंगे। और हम लोग रूम जो लिए हैं उसका भाड़ा है 400 रुपीज़ एक घंटे, जो हम लोग एक घंटे के लिए लिए। गाड़ी भी बुकिंग हो गया है, गाड़ी आप लोगों को बुक करना है तो यहाँ पे आके स्टेशन पे बहुत सारा गाड़ी रहता है, अगर चार जन के लिए तो चार जन वाला जो 4 सीटर होता है, और हम लोग 6 जन है तो 6 सीटर ऐसा स्कॉर्पियो वाला टाइप का कुछ। तो आप लोगों को जितने जन आएंगे उसके हिसाब से आप लोग गाड़ी ले लीजिएगा, यहाँ से मिल जाता है, स्टेशन पे एकदम बाहर ही रहता है। देख लीजिए, ये हम लोगों को रूम मिला है, यहाँ पे ये हम लोगों का सामान पड़ा हुआ है। ये बहुत ही छोटा रूम है पर, और ये है वॉशरूम। अभी हम लोग निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है 8:05। तो होटल से हम लोग निकल गए। अभी बाहर में कुछ दुकान है, छोला भटूरा ये सब मिलता है यहाँ पे, तो वहाँ से हम लोग खाना खा लिया। खाना अच्छा था, ठीक ठाक था। छोला भटूरा का प्राइस लिया 20 रुपये, और एक बार भी गए थे पहले देवघर में, जिसको देवघर बोलते हैं जयश्री में जो है, वहाँ का खाना उतना अच्छा नहीं था। वहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ का खाना टेस्टी है, अच्छा है, पर ठीक है, कोलकाता जैसा तो सब जगह नहीं मिलेगा, एडजस्ट करना होगा जैसे आप लोग कर रहे हैं मेरा हिंदी को। चलिए गाड़ी में उठ के फिर बात करते हैं। ये हम लोग का गाड़ी, इस गाड़ी से हम लोग जाएंगे।
अच्छा ही है, काफी अच्छा है। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके पहुंच गए मांजर कुंड की तरफ। तो ये है मांजर कुंड, इसको बोलते हैं मांजर कुंड। अभी देखना है कि सीता कुंड किधर है और धुआं कुंड कहाँ है, तो देख लीजिए ये है नज़ारा। गलती हो गया, इसको एक्चुअली बोलते हैं माजर कुंड, जो ये है ये इधर भी है ऐसा। और पहले जो देखे थे जिसको बोले थे कि ये माजर कुंड है, वो माजर कुंड नहीं था, वो था सीता कुंड। पहले सीता कुंड होता है, बीच में माजर कुंड, उसके बाद होता है धुआं कुंड, ऊपर से नीचे सीता कुंड, माजर कुंड, फिर धुआं कुंड। सीता कुंड देख के आए, आप लोग देख लिए, जिसको माजर कुंड बोल रहे थे तो माजर कुंड नहीं था, वो था सीता कुंड एकदम टॉप सबसे ऊपर। फिर ये आया, इसको बोलते हैं माजर कुंड, और इसके नीचे जो है उसको बोलते हैं धुआं कुंड। वहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे। देखिए ये सब है रास्ता, ये सब रास्ता से जाना होगा। तो यहाँ पे कोई ये उतना टूरिस्ट प्लेस जैसा नहीं है, तो आपको ढूंढ लेना होगा कि फॉल्स कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, ऐसे ढूंढ ढूंढ के जाना होगा। तो धुआं कुंड जाते टाइम, सीता कुंड, माजर कुंड देखने के बाद धुआं कुंड की तरफ जाते टाइम ऐसा बीच में आपको एक झरना दिखने को मिलेगा, पता नहीं इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये इस तरफ से आपको आना होगा, ठीक है, इधर से जाके वहाँ पे पुल है, देखिए ये पुल से क्रॉस करके इस तरफ दाएं तरफ जाके फिर आपको मिलेगा धुआं कुंड। ये जो जगह है यहाँ से आपको उतर के वो जो ब्रिज दिखा रहे थे आपको, ये वाला है वो ब्रिज है। जाते टाइम ऐसा किला टाइप एक मिलेगा, इसके साइड से यहाँ से जाना होगा, और ये है फॉल्स जो जा रहा है, जाके गिर रहा है, तो उसी को हम लोग देखते जा रहे हैं। तो गाइज ये जो जगह है इसको बोलते हैं धुआं कुंड, क्योंकि यहाँ जो नीचे पानी गिर रहा है यहाँ से धुआं उठ रहा है, धुआं जैसा, जैसे जोर से पानी गिरता है थोड़ा उठता है ना धुआं जैसा, और इससे ऐसा हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम है धुआं। एक बार साउंड सुनिए इस धुआं का, जो फॉल्स था सीता कुंड, मांजर कुंड, धुआं कुंड, तो तीनों फॉल्स ही आपको ट्रेक करके जाना होगा। देखने के बाद फिर हम लोग आए हैं एक जगह खाने के लिए, लंच करने के लिए। ये मेन रोड है एकदम पूरा,
यहाँ से, ये जगह है यहाँ, यहाँ पे सब लड़ी वड़ी सब रुका हुआ है खाने, ये वाला है हम लोगों का गाड़ी, ये ढाबा टाइप का, यहाँ पे हम लोग खाएंगे अभी, लंच कर लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे तुतला भवानी फॉल्स। ये हम लोगों का लंच, इसका प्राइस मैं बाद में बताता हूँ आप लोगों को। तो अभी हम लोग खा के अभी आके पहुँचे हैं तुतला भवानी फॉल्स के सामने। जगह है ये ट्रेक करके, ये भी ऐसा है, बहुत नीचे जाना पड़ता है, पहले ऊपर बनाओ तेरा झाल मोरी पांच नीचे, जैसे बंगाली में बोलता है चौड़ाई एंड ट्राई, वैसा ही है। एक चीज बोलना भूल गए कि लंच जो किए, जो वेज थाली था तो उसका प्राइस था 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ में राइस था, दाल था, आलू भाजा एंड एक तरकारी टाइप का था और पापड़ था। तो अभी पहुंच चुके हैं तुतला भवानी फॉल्स के सामने। ये जो पीछे मेरा पीछे जो देख रहे हैं ये है तुतला भवानी फॉल्स। इधर कोने में यहाँ पे एक मंदिर है, माँ तुतला भवानी का मंदिर है और ये फॉल्स है। और इधर से ये नीचे से यहाँ से जूता खोल के फिर जाना पड़ता है, जो अगर कोई नहाना चाहता है तो जा सकते हैं। इधर साइड से भी रास्ता है, यहाँ से भी जा सकते हैं नहाने के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग नहाते कि नहीं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 10 मिनट तक पैदल आके फिर ये देखना है। तो अभी हम लोग आके पहुंच गए शेरशाह टॉम में, ये देख रहे हैं पीछे जो है, यहाँ पे आके पहुंच गए। यहाँ पे टिकट कटना पड़ता है और यहाँ पे मास्क भी ज़रूरी है। शेरशाह टॉम, शेरशाह सूरी टॉम, यहाँ एक जगह है जहाँ से एंट्री होता है। आप लोगों ने देखा है कि बीच में से रास्ता दो साइड में तो पानी टाइप का है, ऐसा जगह पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, पावा पूरी बोल के जो रांची में था, सॉरी राजगीर में था। अगर किसी ने राजगीर का ब्लॉग नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, देख लीजिएगा। तो गाइस गाड़ी का अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पे बहुत, और हम लोग खाना वाना भी ले लिया है, रोटी और तड़का वगैरह पहले ही आ चुके हैं। पर ट्रेन का टाइमिंग था 7:35, अभी टाइम हो रहा है 7:41। तो अभी तक ट्रेन ट्रेन थोड़ा लेट है, अभी तक नहीं आए हैं, पर अनाउंस कर दिया है इन लोगों ने, जल्दी आने वाला है।
गाइस हम लोग पहुंच गए हैं हावड़ा स्टेशन। 4:55 में आना था और 5 बजे ही पहुंचा दिया। तो गाइस ये वाला जो ट्रिप था यहाँ पे ही ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नया है तो चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नया कोई जगह के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, स्टे हैप्पी, बाय।